एसडीएम नूरपुर डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने सब्जी मंडी जसूर पॉलिथीन को लेकर औचक निरीक्षण किया। एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि जसूर मंडी में पॉलिथीन का जमकर उपयोग किया जा रहा है, शरियम कानून की दजियां उड़ाई जा रही हैं। जसूर सब्जी मंडी का औचक निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि अधिकतर सब्जी विक्रेता पॉलिथीन का शरियम उपयोग कर रहे हैं। एसडीएम नूरपुर डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने सब्जी मंडी जसूर का औचक निरीक्षण किया। एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर ने पॉलिथीन को लेकर ये निरीक्षण किया। दुकानदारों में काफी हड़कंप मचा हुआ है। दुकानदार पॉलिथीन को छुपाते हुए नजर आए। दुकानदार एकदम से सहम गए और उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। सब दुकानदार इधर उधर भागते दिखाई दिए। एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि जसूर सब्जी मंडी में पॉलिथीन का जमकर उपयोग किया जा रहा है, सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जसूर सब्जी मंडी का औचक निरीक्षण किया गया और पाया गया कि अधिकतर सब्जी विक्रेता पॉलिथीन का सरेआम उपयोग कर रहे हैं। दुकानदारों को चेतावनी दी गई और कहा गया कि अगर दुकानदारों ने पॉलिथीन का उपयोग किया तो उनका चालान किया जाएगा। इस मौके पर दो दुकानदारों ने पॉलिथीन के 500 रुपए के चालान करके चेतावनी दी गई। हमने सब्जी मंडी में आज सरप्राइज विजिट किया है। उनको हमने पहले भी बार बार जो है सब्जी मंडी का के जो एसोसिएशन है इन लोगों के साथ बात करते हैं, व्यापार मंडल के जो चेयरमैन है इनके साथ भी समय समय पर हम मीटिंग्स करते रहते हैं। लोगों को लोकल मीडिया के माध्यम से भी हम इनको सेंसिटाइज कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा पॉलीथीन 100% बैन कर दिया गया है। पॉलीथीन घातक है हमारे सेहत के लिए, हमारे समाज के लिए जो है ये अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी है, मैंने आज देखा और पाया गया कि कुछ एक दुकानों पर सब्जी मंडी में पॉलीथीन के अंदर जो है सब्जियां रखी पड़ी थी, तो उनके हमने चालान किए हैं। भविष्य में उन्हें ऐसा ना करने के लिए हमने उनको मोटिवेट भी किया है।